जिला सत्र न्यायालय ने अगर आपको कोई आदेश दिया और उस आदेश का पालन आपने नहीं किया तो आपके साथ क्या होगा? वारंट जारी हो जाएंगे, समन जारी हो जाएंगे, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। छोटी निचली अदालतों का यह है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि जाओ और पूरे भारत में वीवीपैट लगा करके 2014 का चुनाव करवाओ। लेकिन वीवीपैट नहीं लगाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर दी गई। अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर दी जाए तो ये बताओ चुनाव आयोग के ऊपर मुकदमा या महाभियोग चलाया जाना चाहिए था या नहीं? बोलो ये सुन दो, चलाया जाना चाहिए था, लेकिन क्या चलाया गया? नहीं चलाया गया। इसका मतलब ये हुआ अगर कुत्ते को देख करके बिल्ली ना भागे और अगर बिल्ली को देख करके कुत्ता ना भौंके तो समझ लो कुत्ते और बिल्ली की सेटिंग हो गई है, सेटिंग हो गई है। अब जब वो सेटिंग हो गई, चुनाव हुआ 2014 का चुनाव बिना वीवीपैट के हुआ, आसाम में लगाए 7 मशीनें केवल, बाकी पूरे देश में मशीनें नहीं लगाई, और विनर कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, टीवी पर आकर के मोदी राहुल को गाली देता है, मोदी राहुल को पप्पू कहता है, राहुल मोदी को फेफू कहता है, ये आपको और मेरे को पागल बनाने वाला खेल है। कौन कहता है पर्दे के पीछे बैठकर इनके गिलास गिलास से नहीं टकराते होंगे? कौन कहता है? कौन कहता है ये दोनों बैठ के डाइनिंग शेयर नहीं करते होंगे? कौन कहता है इन लोगों की आपस में सेटिंग नहीं होगी? 10 साल तुमने कर लिया बेटे, आगे का राज हम करेंगे। अमित शाह खुले मंच पर बोलता है, खुला खेल फरुखाबादी, 50 साल राज करेंगे। कौन कहता है? अमित शाह, द रियल गुंडा ऑफ दिस कंट्री। वो कह रहे हैं यहां कि 50 साल राज, 50 साल राज करोगे, वो भी लोकतंत्र में? इतना आत्मविश्वास कैसे पैदा हो गया? अपने आप नहीं आ सकता ये कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए माता ईवीएम का आशीर्वाद अवश्य चाहिए, और अगर माता ईवीएम का आशीर्वाद चाहिए तो आपको लोकतांत्रिक नारियल इलेक्शन कमीशन की चौपट पे जाके फोड़ना ही होगा, जो कि बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, दुर्गा वाहिनी के लोगों ने, शिवसेना के लोगों ने, श्री राम सेना के लोगों ने फोड़ रखे हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस है। चलो जी बात आगे बढ़ी, नहीं लगाई वीवीपैट कोई बात नहीं, चुनाव जीत गए। अब मजे की बात बता रहा हूं, यहां से पहला तीर छोड़ रहा हूं, पहला, ध्यान रखना बड़ी गंभीर बात है, पहला, ध्यान से सुनिए जी। हाँ यार मिल गया। चुनाव कब हुए थे? शुरू 7 अप्रैल 2014 को, और खत्म कब हुए थे चुनाव? 12 मई 2014 को। ध्यान से सुनना, बात पेचीदा है, कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। 7 अप्रैल से 12 मई तक चुनाव चले और फिर कोई जीत गया। जून 2014 यानी कि मई 12 को चुनाव खत्म हुए, जून 2014 में इलेक्शन कमीशन ने 9 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ये कहकर डिस्ट्रॉय कर दिया कि ये पुरानी है, स्क्रैप माल है, रद्दी माल है, बेकार माल है। जिन मशीनों में आपके वोट छिपे हुए थे, जिन मशीनों से ये पता किया जा सकता था कि किसका वोट कहां पड़ा हुआ है, मई में चुनाव खत्म होते ही जून में 9 लाख मशीनों को
डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मेरा सवाल यह है क्यों किया गया? अगर ये मशीनें खराब थी तो 2014 के इलेक्शन होने से पहले इन्हें डिस्ट्रॉय करके नई मशीनें खरीदते। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, कहते रहो, करंट खत्म हो जाएगा मेरा। हाँ हाँ, हूँ, हुंकार भरते रहो, कम से कम मैं समझता रहूं खोपड़ी में बात जा रही है। 9 लाख मशीनें डिस्ट्रॉय की गई। पूरे देश में से किसी ने आवाज नहीं उठाई कि क्यों खत्म करी गई ये मशीनें। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि मशीनों में गड़बड़ी थी। बीजेपी को जिताया था, जिताया जाना था, वो जिता दिया। सबूत को रद्द कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसे कहते हैं रणनीति। समझ गए? ये इतने चालाक फिर क्या हुआ? कोई तो सवाल करेगा यहां, पता गड़बड़ क्या हो रही है? बेमतलब के मुद्दों पर तनों में कुंडलों में हम इकट्ठे हो रहे, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। मतलब की बात तो करें, यकीन जानना, मतलब की बात करने के लिए अगर हम सड़कों पर आ गए, चुनाव आयोग नहीं, ये पूरा भारत नहीं, दुनिया कांपती है, पूरी दुनिया हिलती। इतनी ताकत है आपकी, ये जो बैठे हैं, ताकत है आपकी इतनी। लेकिन हम मत पहचानो अपनी ताकत, इसमें मेरी गलती थोड़ी होगा क्या? मैं भी थके के अपने घर बैठ जाऊंगा, क्योंकि यहां बोलकर आपके बात करके राजनीति करने थोड़ी आए होंगे यहाँ, या मैं किसी राजनीतिक पार्टी से थोड़ी ना बात कर रहा हूं, या मुझे नेता बनना है, मैं आपसे वोट मांग रहा हूं ना। ये तो मैं जानकारी देकर के आपको जगा रहा हूं, जाग जाओ भाई। आप ये कह रहे हो कि हम वोट डाल के बड़े परिवर्तन कर देंगे, बहुत भारी संख्या में वोट डालो, डाले जाओ। वोट डालने वाली जो मशीन है, मशीन नहीं है, डायन है। डायन पूरा समाज तो वोट डाल जाते हैं, पर ईवीएम डायन वोट खाए जाते हैं, खाए जाते। ये दिवस देगी, खा रही है ये वोट, खा रही है, नहीं छोड़ेगी। बात आगे बढ़ी, बीजेपी जीत गई। अब जब बीजेपी जीती तो फिर चुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में 17 में। अब 17 में चुनाव होने थे, जब चुनाव 17 में होने वाले थे तो फिर से आदेश आए सुप्रीम कोर्ट के। क्या आदेश आए? कि उत्तर प्रदेश में वीवीपैट लगाओ। उत्तर प्रदेश में भी वीवीपैट नहीं लगाए गए। लगभग 25 बूथों पर वीवीपैट लगाया गया, और जिन बूथों पर वीवीपैट लगा वहां पर बीजेपी औंधे मुंह गिरी, और जहां पर वीवीपैट नहीं लगा, जैसे देवबंद जहां मुसलमानों की संख्या सबसे भारी है, जहां दलितों की संख्या सबसे भारी है, या तो समाजवादी पार्टी जीते या बहुजन समाज पार्टी जीते, बीजेपी का तो नामो निशान वहां पर नहीं था। जहां बीजेपी की चिड़िया नहीं उड़ती थी, वहां बीजेपी का हवाई जहाज उड़ गया। बजा ले तुम्हें तो ये भी ना पता ताली कब बजानी है। मैं कहीं ये तो समझ लो बात कौन सी चल रही है, मतलब वो सतीश वो बहुत बढ़िया, समझो पहले बात समझो यार, बात बड़ी गंभीर है। मतलब जहां पर वोटर ही नहीं है बीजेपी का, वहां उनकी सीट निकल गई। कैसे कैसे निकल गई? आशीर्वाद किसका था? ईवीएम मैया का। समझ गए? जयकारा ईवीएम मैया का। बॉल इलेक्शन कमीशन के दरबार की जय। बात आगे बढ़ी, वहां भी ईवीएम बैठने लगा। आदेश है सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मानी गई, हो गया धोखा। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये मिले हुए कितने हैं। अब यहाँ से एक नया तीर छोड़ रहा हूँ। पहली बात तो समझ में आ गई, 9 लाख मशीनें डिस्ट्रॉय की। अब दूसरा सुनो ध्यान से। अच्छा, ये वाली बात अगर ध्यान से नहीं सुनी तो समझ में नहीं आने की, दिमाग बिल्कुल यहां रखना एकदम मेरे सामने। चश्मे से चश्मे टकरा जाए, ऐसे मान लो बस बात, आंखों से आंखें टकरा जाए, तभी आइए समझ में। जो भारत सरकार की चुनाव आयोग है, ये दो कंपनियों से मशीनें लेती है, ईवीएम मशीन दो कंपनी, एक तो है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, दूसरी है ECIL इलेक्ट्रॉनिक
कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये दो कंपनी है जो क्या बनाती है, ईवीएम। किसके लिए बनाती है? चुनाव आयोग के लिए। अब ध्यान से सुनना, बात गंभीर हो रही है। 2010 से लेकर 2017 के बीच में BEL, अच्छा ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात कह रहा हूं, RTI डाली कहां, BL में भी डाली, ECIL में भी RTI डाली, और एक RTI डाली हमने यहां मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, तो 3 RTI हो गई। अब RTI में हमने पूछा क्या, हमने पूछा RTI में कि कितने कंट्रोल यूनिट, कितने बैलेट, अच्छा कंट्रोल यूनिट बताना पड़ेगा, बैलेट यूनिट वो होता है जब बटन दबाते हैं, उसे बैलेट यूनिट क्या कहते हैं, और वो मशीन जो चुनाव आयोग के अधिकारी के पास रखी होती है छोटी सी, जिसमें आपकी वोट स्टोर होती है, उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, वो उनके पास होती है। तो दो मशीनें हो, BL को जब RTI डाली, हमने पूछा कि कितनी मशीनें थी चुनाव आयोग को, तो BEL ने कहा 1,25,000 कंट्रोल यूनिट थी, 1,90,000 बैलेट यूनिट थी। किसने कहा? BEL ने। कौन से पीरियड में? 2010 से 17 के बीच की बात चल रही है, ध्यान से सुनना। अब RTI डाली हमने, ECIL से पे यही बात पूछी, तो ECIL ने दो खेप भेजी। पहली खेप थी कंट्रोल यूनिट की 2,11,875 कंट्रोल यूनिट थी, और 2,22,925 यूनिट थी बैलेट यूनिट की। दूसरी खेप आई, किससे आई? ECIL से। किसको गई? इलेक्शन कमीशन को। कितनी? 3,07,030 कंट्रोल यूनिट और 4,97,348 बैलेट यूनिट गई। समझ गए? इस तरह से BL और CL दोनों को जोड़ दूं तो टोटल कंट्रोल यूनिट जो इन कंपनी से इलेक्शन कमीशन ने ली, कंट्रोल यूनिट गई 6,43,905 और बैलेट यूनिट गई 9,10,273। बात समझ में आ रही? अब यही RTI हमने डाली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। हमने पूछा भाई तुमने खरीदी कितनी, कि उन्होंने तो इतनी बेच दी आपको, तो तुमने कितनी खरीदी? अगर मैंने, आप दुकानदार हो, मैंने आपसे 1 किलो चीनी खरीदी, तो आपने कितनी चीनी बेची? हेलो, 1 किलो बराबर होगा ना? ठीक, तो बराबर होना चाहिए था। मिनिस्ट्री से हमारे पास RTI, वो कह रहा है बैलेट यूनिट इन्होंने खरीदी 13,95,306। ध्यान से सुनना, 13,95,306 क्या खरीदी? बैलेट यूनिट। और कंपनी ने बेची कितनी थी? 9,10,273। फर्क कितने का पड़ा? 4,85,033 बैलेट यूनिट फालतू थी। ये कहां से आई? हेलो, पैसे खा गए? ना 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 ना, बात पैसे की नहीं है। फिर से सुनो, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई गुरु। 9,10,273 बैलेट यूनिट बेची गई इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमने खरीदी 13,95,306, यानी कि 4,85,033 मशीनें ज्यादा खरीदी। कहां से आई? नकली मशीन। अब समझो मेरी बात, वोट डाल दिया, आज वोटिंग खत्म हो गई, अब गिनती कब होगी बताओ जरा? है जी, 10 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 12-13 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद, ऐसे होती है। अब आपकी वोट किस में है? कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट किसके कंट्रोल में है? इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है। ओरिजिनल कंट्रोल यूनिट को बदल करके उनके द्वारा सेट की गई कंट्रोल यूनिट में नहीं बदला जा सकता, इस बात की क्या गारंटी? हेलो, बदल जाएगा, इसीलिए तो ज्यादा खरीदी ना। हेलो, इसीलिए तो ज्यादा खरीदी, मतलब बेचने वाला कह रहा है मैंने कम दी है, खरीदने वाला कह रहा है मैंने ज्यादा ली है, तो खेल समझ में नहीं आता। और सुनो, ये दस्तावेज है मेरे पास, RTI है, प्रॉपर RTI, जिसे चाहिए ले लेना, बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, इतने बड़े मंच पे खड़ा होकर के दिल्ली में बात कर रहा हूं, एक भी बात गलत बोलूंगा जेल में ठूंस देगी मुझे पुलिस, सत्य बोल रहा हूं।
एकदम सत्य बोल रहा हूँ, तो जिसे चाहिए वो मिलेगा मेरे पास। ये दूसरी गंभीर बात समझ में आ गई। हेलो, आ रही है नहीं आ रही? अब एक और सुनो, अब यहाँ किसी ने कहा गुरु मामला पैसों में भी गड़बड़ है, पैसों में गड़बड़ है। अब सुनो ध्यान से, 2006-07 से 2016-17 के बीच में BEL कह रहा है, BEL कह रहा है कि हमें 652,56,44,000 रुपए मिले, बेचने के एवज में मिलेगा ना पैसा। किसने कहा ये? BEL ने कहा कि 652,56,44,000 मिले हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है 536,01,75,485 दिए हैं, फर्क आ रहा है 116,54,69,515 रुपए का। ये गया कहां पैसा? कौन जिम्मेदार है इस पैसे का? ये मालिक है जो बैठे हुए, ये मालिक। जब मालिक अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं करता ना, कुत्ते भी मुंह मारना शुरू कर देते, समझ गए? तो ये आपकी प्रॉपर्टी, देश किसी मनुवादी का, ये मनुवादी तो विदेशी है, ये तो बाहर से आए थे, आ रहे बाहर से, ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारी है, और इस जमीन को लुटेरे लूट रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। तो ईवीएम की गड़बड़ी बताई, मशीनों की नंबरिंग में, रुपए पैसे में गड़बड़ बताए। अब एक मजेदार, आप कहोगे लोंडे ने तो ज्यादा ही पढ़ाई कर ली भाई। अब मजे की बात सुनो, ईवीएम आती जाती कैसे? ट्रक में भर के, ट्रक सामान्य ट्रक नहीं होता, इसमें कंटेनर समझ गए, कंटेनर होते हैं। अब ध्यान से ना, मजे की बात बता रहा हूं, दो तरह के कंटेनर होते हैं। एक कंटेनर का साइज है 32x8x8 ये साइज है किसका? कंटेनर का, ये बड़ा वाला कंटेनर होता है। इस कंटेनर में 199 पैलेट यूनिट आ सकती है। फिर से सुनना, स्टैंडर्ड साइज क्या कंटेनर का? 32x8x8 इसमें पैलेट यूनिट कितनी आ सकती है? 199, और कंट्रोल यूनिट कितनी आ सकती है? 261, ये साइज है, समझ गए? एक दूसरा साइज क्या कंटेनर का? 20x8x8 का, जिसमें कंट्रोल पैलेट यूनिट आ सकती है 124, और कंट्रोल यूनिट आ सकती है 163। बीएल पता क्या कह रहा है? पर कंटेनर 320 से 400 यूनिट डिस्पैच करिए हमने। हेलो, मतलब ट्रक की क्षमता 199 या 261 है, तो 320 से 400 कैसे डिस्पैच करती, मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ पा रहे हो बात कितनी गंभीर है? लुटेरे बैठे हैं, लुटेरे। अभी तो मैं ईवीएम की तकनीकी पे आया ही नहीं हूं, अभी तो मैं ये बता रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी की तरह ये नहीं कह रहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है ना, मैं कह रहा हूं ईवीएम तो गड़बड़ है ही है, ये पूरा सिस्टम गड़बड़ है, पूरा मामला गोलमेल हो रखा है। मैं तो इनके कपड़े फाड़ रहा हूं, और जिसे डर लग रहा हो कपड़े फड़वाने से, तो आ जाओ और बहस करो और मुझसे सबूत मांग लो। बकवास करने नहीं आया, समझ में आई बात? यहां तक कि मैं ट्रक का साइज लेके बैठा हुआ हूं, यहां करके ट्रक में आ रही कितनी यूनिट है, तुम हमारा पागल बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, है हमें जो है बुड़बक समझे हो? बुड़बक नहीं है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और मतलब की बात करना चाहते हैं। अब एक बेहतरीन बात, एक और तीर गंभीर वाला, क्योंकि मैंने कल भी बताया था ऑनलाइन की वो वाली बातें करूंगा जो नॉर्मल होती नहीं है। अब ध्यान से सुनना, बात बड़ी गंभीर कह रहा हूं। जो मशीन 1989 से 2000 के बीच में आई, ध्यान से सुनना बात बड़ी प्यारी है की बात, जो मशीन 1989 से 2000 के बीच में आई, उस मशीन की क्षमता पता है कितनी थी? उसमें 64 कैंडिडेट आ सकते थे, 64 मशीन पे, यानी कि 64 बटन लग सकते थे, और वोट पड़ सकती थी 3,902। तो ये मशीन 1989 से 2000 तक चली थी। अब ध्यान से सुनना, 2014 और 15, 14 क्यों? क्योंकि बीजेपी को जितवाना था,
2014 क्यों? क्योंकि बीजेपी को जितवाना था। 2014 में क्या कर दिया? कैंडिडेट 64 नहीं 384 हो सकते थे। हेलो, वो कैसे होते थे? वो कई मशीनों को आपस में जोड़ करके उन्हें 384 बनाया जा सकता था। यानी कि 2000 में तो केवल 64 कैंडिडेट थे और 2014 में 384 कैंडिडेट हो गए। जानते हो क्यों? ताकि आपके समाज में इतने सारे डमी कैंडिडेट खड़े कर दिए जाएं कि आपके समाज की वोट कट जाए और एक तरफा डिसीजन हो जाए उसको मिले। समझ रहे हो? 2014 में और एक मशीन में पता है कितनी वोट पड़ सकती थी? केवल 2000। 2000 तक 3902 वोट और 14 और 15 में 2000 वोट पर मशीन। 2014 में एक और मशीन लॉन्च करी इन्होंने इसके साथ साथ, जिस मशीन में 60 कैंडिडेट आ सकते थे और वोट पड़ सकती थी एक मशीन में 8000। हेलो, नहीं आई बात समझ में? अगर एक मशीन में केवल 2000 वोट पड़ेगी तो वोट कम रह जाएंगी। तो ऐसी मशीन बनाओ जिसमें ज्यादा वोट पड़ सकती हो। तो मशीन बनाई, 8000 वोट डाली जा सकती थी। कब बनाई? 2014 और 15 में। ये लोग कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ये भ्रष्टाचार खत्म करने वाले लोग कहते थे 1000 और 500 के नोट से भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो उन्होंने 1000 और 500 के नोट बन के 2000 का नोट लेकर लिया। तो भ्रष्टाचार घटाया, बढ़ा? बढ़ गया। तो जहां 2000 वोट पड़ती थी उसकी जगह इन लोगों ने 8000 वोट डालने की व्यवस्था कर दी। तो सोच के देखो, मेरा सवाल ये है कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन है इस देश में? नहीं है। मतलब कोई मशीन 60 कैंडिडेट, कोई मशीन 384 कैंडिडेट, कोई मशीन 64 कैंडिडेट, किसी मशीन में 3902 वोट पड़ती है, किसी मशीन में 2000 वोट पड़ती है, किसी मशीन में 8000 वोट पड़ती है। तो दिमाग खराब हो गया क्या ईवीएम बनाने वालों का और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करने वाली इलेक्शन कमीशन का, कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है? अरे यहां तो कैसे कह दूं मैं, हर इंसान का अपना स्टैंडर्ड होता है। ये मशीनों का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहा। अरे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था की व्यवस्थापक होने के नाते इलेक्शन कमीशन ने कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया। अरे कम से कम एक मशीन ऐसी बनाते जो पूरे देश में लागू की जाती। इन लोगों ने मशीनें अपनी सुविधाओं के हिसाब से बनाई। जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी वैसी मशीन, जैसे लोग वैसी मशीन, यही षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कौन करेगा? ये जो काम मैं कर रहा हूं ना, ये काम आपके नेताओं का है। आपके नेता को तो नोट गिनने से फुर्सत नहीं है। वो पहले नीले गिने, अगर आप गुलाबी गिन रहा है।